हेलो नमस्कार दोस्तों, बीएम अयोध्या चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीएम किसान सम्मान निधि का जिन सदस्यों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया था उसमें जो उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो गया। रिजेक्ट में जो मैसेज शो कर रहा है वहाँ पर रीजन में वहाँ पर लिखा हुआ है रिकॉर्ड नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड या लैंड रिकॉर्ड नॉट फाउंड, तो उसे कैसे सही करेंगे संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए लेकर आता रहूंगा। दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि में डेटा को अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको यहाँ पर सर्च टैब में आपको लिखना होगा पीएम किसान सम्मान निधि। लिखने के बाद दोस्तों आपको जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपके सामने नया पेज ओपन हो गया है, यहाँ पर आप पीएम किसान सम्मान निधि लिखा हुआ है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आप पीएम किसान सम्मान निधि की होम साइट पर पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर सबसे पहले आपको जैसे कि चेक करना है कि आपका जो कैंडिडेट का आप जिस कैंडिडेट का आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसका जो स्टेटस है वो क्या शो कर रहा है। स्टेटस को चेक करने के लिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा सेल्फ रजिस्टर फॉर्म है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही दोस्तों आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर और यहाँ पर कैप्चा को फिल करके यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पर देख पाएंगे कि रीजन में यहाँ पर शो कर रहा है कि रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि रीजन में यहाँ पर शो कर रहा है रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड, तो इसे कैसे सही करेंगे, कैसे खतौनी की नकल को अपलोड करेंगे हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर हम आप बैक आ जाते हैं। बैक आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेशन आवर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर, इसके माध्यम से यहाँ पर क्लिक करके अपनी बेसिक डिटेल को यहाँ पर फिल करके प्रोसेस को आगे बढ़ा सकते हैं। दूसरा माध्यम ये है कि यहाँ पर आपको कॉर्नर में आएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा CSC लॉगिन, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। यदि आप CSC, आपको यह ध्यान में रखना है कि जिन कैंडिडेट ने CSC के थ्रू न्यू रजिस्ट्रेशन कराया था उनका CSC के थ्रू ही फॉर्म कंप्लीट होगा, और जिन कैंडिडेट ने बाहर से फॉर्म को अप्लाई किया था उनका बाहर से फॉर्म कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर दोस्तों अपना जो भी लॉगिन आईडी पासवर्ड है उसे लॉगिन कर लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप CSC में लॉगिन हो जाएंगे। तो जैसा कि यहाँ पर दोस्तों आपको खतौनी की नकल को अपलोड करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एडिट फार्मर डिटेल पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप एडिट फार्मर डिटेल पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको आधार नंबर, यहाँ पर इस कैप्चा को फिल करके आपको सर्च पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको फॉर्म के संपूर्ण डिटेल यहाँ पर आपको शो कर जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक्शन में आना है, यहाँ पर आपको एडिट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो यहाँ पर आपको इस पर क्लिक करना होगा। जैसे यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन शो कर रहा है बायोमेट्रिक बेस्ड EKYC। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर आप बायोमेट्रिक के थ्रू आप इस फॉर्म को कम्प्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइम जो है यहाँ पर मंत्रा और मार्को जो डिवाइस है यहाँ पर चल रही है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑल CSC सेंटर शुड अपग्रेड योर RD सर्विस। यहाँ पर आपको दोस्तों जो भी आपके पास डिवाइस है उस डिवाइस की जो भी RD सर्विस है आपको वो लेटेस्ट वर्जन को यहाँ पर डाउनलोड करना है, तभी यहाँ पर आप डिवाइस को यूज कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप यहाँ पर कैप्चे को फिल कर लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सर्च पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप सर्च पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ नया इंटरफेस दोस्तों यहाँ पर आपके सामने नया इंटरफेस ओपन हो गया, यहाँ पर आपको आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर है उस मोबाइल नंबर को यहाँ पर फिल करेंगे, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर गेट मोबाइल OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप गेट OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन यहाँ पर शो कर रहा है इंटर मोबाइल OTP, तो यहाँ पर आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर 4 डिजिट का OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पर फिल करके आप सबमिट OTP पर क्लिक करेंगे। सबमिट OTP पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर आपको कई ऑप्शन यहाँ पर आपको शो कर रहे हैं जैसे कि कैप्चर फॉर EKYC, मार्को, आर्टेक और EKYC मंत्रा। तो यहाँ पर आपके पास जो भी डिवाइस अवेलेबल है उस यहाँ पर आपको, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर मंत्रा डिवाइस अवेलेबल है, तो यहाँ पर मैं कैप्चर फॉर EKYC मंत्रा पर यहाँ पर क्लिक करूँगा। उसके बाद ये दोस्तों यहाँ पर आपके सामने एक मैसेज शो करेगा सक्सेसफुली का, यहाँ पर ओके कर देना है। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पर मैसेज शो कर रहा होगा पुट योर फिंगर, तो
तो यहाँ पर आपको फिंगर को स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका कैप्चा सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर सक्सेस के ऑप्शन यहाँ पर ओके कर देना है। उसके बाद यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आपका जो कैप्चर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, होने के बाद दोस्तों जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपके सामने जो आपका रजिस्ट्रेशन पेज है, जो एडिट सेल्फ रजिस्ट्रेशन फार्मर जो डिटेल्स है, संपूर्ण डिटेल्स यहाँ पर आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों यहाँ पर आपकी पर्सनल डिटेल हो गई, आप ये अपनी पर्सनल डिटेल चेक कर सकते हैं। यदि आपके पर्सनल डिटेल में आपको कुछ एडिट करना है तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर नीचे आना होगा। और नीचे आने के बाद दोस्तों यदि आपको पर्सनल डिटेल में कुछ एडिट करना है तो एडिट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लैंड आईडी। तो यहाँ पर आपके जो गांव का कोड है उसे यहाँ पर फिल करेंगे। कोड को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको राशन कार्ड नंबर को फिल कर लेना है। राशन कार्ड नंबर को फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर लिखा है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान माध्यम योजना। यदि आप यहाँ पर अपने हिसाब से यस और नो कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर यस और नो करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप आ जाएंगे एड लैंड डिटेल में। तो यहाँ पर दोस्तों लैंड डिटेल में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर एक्शन में आपको शो कर रहा होगा एडिट का। तो यहाँ पर एडिट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर आप एडिट पर क्लिक करेंगे, यहाँ की जो डिटेल है, यहाँ पर जो खाता नंबर डिटेल्स, ये भी जो कुछ था यहाँ पर आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। तो यहाँ पर अगर ये डिटेल्स सही है तो यहाँ पर वही रहने देंगे, नहीं तो यहाँ पर आप डिटेल्स को अपडेट करना चाहते हैं तो डिटेल को अपडेट कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर आप जो भी आपका खाता नंबर है उसे फिल करेंगे, खसरा नंबर, गाटा नंबर जो भी है आप उसे फिल करेंगे, एरिया जो भी आपका हेक्टेयर में होगा उसे फिल कर लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र स्टेटस में यहाँ पर आप जिस भी डेट क्या कहते हैं जिस भी समय में आपका जो खतौनी है ट्रांसफ़र हुआ था उसे यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। 2019 के पहले तो पहले सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आफ्टर है तो 2019 के बाद का है तो यहाँ पर 2019 के बाद का सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर लैंड ट्रांसफ़र किस बेस हुआ था तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर आप चूज करके सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको जिस भी डेट को यहाँ पर आपके नाम लैंड जो है ट्रांसफ़र हुआ था उस डेट को यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। डिटेल को यहाँ पर फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही दोस्तों यहाँ पर अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो आपकी बेसिक डिटेल्स है जो आपने फिल किया यहाँ पर आपको शो करने लगेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके पास यदि और भी खतौनी की नकल है तो यहाँ पर आप अपलोड कर सकते हैं, नहीं तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आगे आने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में यहाँ पर आपको लैंड डिटेल है, यहाँ पर आपकी जो भी खतौनी की नकल है यहाँ पर उसे अपलोड कर देना है। खतौनी की नकल अपलोड करने के बाद दोस्तों यहां पर आपको क्या करना है, सेव के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। सेव के ऑप्शन पर क्लिक करते ही दोस्तों यहां पर आप देख पा रहे होंगे आपके स्टेटस पे यहां पर शो कर रहा है रिकॉर्ड हैज बीन अपडेटेड सक्सेसफुली, योर फार्मर आईडी इज ये। तो इस फार्मर आईडी को यहां से आप कॉपी कर लेंगे। उसके बाद यहां पर क्लिक हियर टू बैक आ जाते हैं। बाइक आने के बाद दोस्तों मैं आपको यहां पर दिखाना चाहूंगा कि जो मैंने आपको वीडियो के शुरू होते में आपको दिखाया था कि वहां पर रिजेक्शन में शो कर रहा है कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड या रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड, तो वहां पर चल दोस्तों यहां पर स्टेटस को चेक करने के लिए आप पीएम किसान सम्मान निधि की होम साइट पर फिर से आना होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर आपने जो यहां पर आपको यहां पर सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर पर आपको क्लिक करना होगा स्टेटस को चेक करने के लिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर आधार नंबर उस कैप्चे को फिल करके सर्च पर क्लिक करना होगा पहले के तरीके। दोस्तों यहां पर जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करेंगे आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं। यहां पर आप दोस्तों वीडियो के शुरू होते में मैंने आपको दिखाया था कि रीजन में यहां पर शो कर रहा था कि रिकॉर्ड नॉट अपलोडेड, तो वो यहां से हट गया है, यानी कि डॉक्यूमेंट जो हमारा खतौनी की नकल है वो अपलोड हो गई है। यहां पर पहले के तरीके यहां पर आपको शो कर रहा है पेंडिंग फॉर अप्रूवल सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक लेवल। तो यहां पर दोस्तों आप का जो डॉक्यूमेंट है यहाँ से अपडेट हो चुका है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।